ओके सो इस वीडियो को मैंने इस रिकॉर्डिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो रहा था। ठीक है, टाइप्स है इसकी सारी, बाकी सारी मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, लेकिन एटलीस्ट ए बी सी हम थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, सो हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस कैन कॉज एक्यूट एंड क्रॉनिक। वैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, तो आपने इस चीज पर फोकस करना है। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में लास्ट अप टू 6 months विद और विदाउट सिम्टम्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन आर एबल टू पास दी वायरस ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कम्युनिकेबल भी है ये जो 6 months के लिए है, लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता, ज्यादातर ये होता है। ठीक है, क्रॉनिक होता है और इस दौरान ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर भी हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इज डिफाइंड एज ए परसिस्टेंस ऑफ एच बी एस ए जी, ठीक है, एंटीबॉडीज की बात करें फॉर 6 months। ठीक है, और मोर एक्यूट इन्फेक्शन और मोर एक्यूट इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो कहते हैं कि ये परसिस्टेंस रहेगा। मतलब परसिस्टेंस किसको कहते हैं, कि आपके पास जो है वो डिजीज। अच्छा, ये थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है, तो लेट मी चेक। अच्छा ठीक है, सो मैंने बताया कि ये क्रॉनिक ज्यादातर होगा, एक्यूट भी हो सकता है 6 months के, लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता। अच्छा, सो परसिस्टेंस, अच्छा, इट इज डिफाइंड एज हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इज डिफाइंड एज परसिस्टेंस ऑफ एच बी एस ए जी फॉर 6 months। ठीक है, हेपेटाइटिस एच बी एस ए जी क्या है, एच बी एस ए जी जो है ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ए जी मतलब एंटीजन, असल में ये जब टेस्ट करते हैं ना हेपेटाइटिस बी का, तो ये एंटीजन जो है ये ब्लड में चेक करते हैं, अगर ये है इसका मतलब हेपेटाइटिस बी है। तो असल में ये बता रहे हैं कि ये परसिस्टेंस मतलब बहुत टाइम तक ये रहेगा ब्लड में। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सो अगर ये बहुत ज्यादा फॉर 6 months और मोर आफ्टर एक्यूट इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस, अगर ये एक्यूट इन्फेक्शन के बाद भी ये रहे काफी टाइम तक परसिस्टेंस रहे, तो फिर ये क्या करेगा, फिर हम इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन कहेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ज्यादातर ये होता है, तो आपने इस चीज पर, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स वही एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन। ठीक है, क्योंकि वो यूरिन में जो है डिफरेंट केमिकल आते हैं, नॉमिक बिलीवर एंड डिलीवर्ड। ठीक है, ये सारे केमिकल जो है वो यूरिन में आते हैं। फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, क्योंकि आपके पास जो है वो जो क्या नाम है बिलीवर जो है वो डिफरेंट जगहों पर एक्यूमुलेट होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉसिया, वॉमिटिंग, फेटीग, जॉन्डस। ठीक है, सो ये सारे जो है वही ऑलमोस्ट है, थोड़े बहुत डिफरेंट करके। सो आप हेपेटाइटिस बी के आपके पास साइन एंड सिम्टम हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो हेपेटाइटिस सी का देखते हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपकी बुक से भी आपको दिखा दूं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज आरएनए वायरस। ठीक है, ये भी आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 to 180 days, इतना एवरेज 56 वैसे होता है। ठीक है, लेकिन इतने डेज तक भी ये जा सकता है। इन मोस्ट केसेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स प्रायर टू 1992। कहते हैं कि 1992 से पहले जो है ये ज्यादातर जो है वो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू ही इट इज इट वॉज ट्रांसमिटेड। लेकिन जो है आजकल जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ब्लड के थ्रू, यूरिन के, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं यूरिन के थ्रू भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है एंड वेरियस अदर बॉडी फ्लूइड्स और उससे भी इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू, जैसे ये उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब वो जो मैंने बताया था कि जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करते। ठीक है, तो एंड कंटामिनेटेड और अनस्टिराइल नीडल्स, ये सारी चीजें शायद हम पहले भी कहीं एक आध डिजीज में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताई थी कि ये जो है ये वो जो ड्रग यूजर, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे की सिरिंजेस यूज करते हैं या कोई मतलब इस तरह की और जो है वो अनहाइजीनिक जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जो है इस हेपेटाइटिस सी के कम्युनिकेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इट इज फाउंड इन आईवी ड्रग यूजर्स एंड रीनल डायलिसिस पेशेंट। ठीक है, जो रीनल डायलिसिस पेशेंट हो, जो बार बार रीनल डायलिसिस करते हैं, उनमें अगर अनस्टिराइल कोई आप जो है वो नीडल वगैरह यूज कर ले। और इसके अलावा जो आईवी ड्रग यूजर्स, मतलब जो एक वो करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो ड्रग के आदि होते हैं, एडिक्टेड लोग होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो उन वही जो मैंने बात बताई, तो उनमें भी चांसेस होते हैं उसके कम्युनिकेट करने के। इट कैन रिजल्ट इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक। लेकिन मैंने बताया था कि बी सी और डी तीनों जो है ये ज्यादातर क्रॉनिक होते हैं। ठीक
थोड़ा सा आपकी बुक से देख लेते हैं कि आपको फिर कोई इशू ना हो इससे कि जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं. इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस इट लास्ट फॉर 6, ये हम पहले थोड़ा बहुत कर चुके हैं. और जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है मोर देन 6 होगा, ये हम कर चुके हैं. कौन से जिसके जो है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड है, ऑटोइम्यून, सारा हम कर चुके हैं, ठीक है. और विल्सन डिजीज है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं इसमें है क्या. अच्छा क्या होगा इसमें, जो आपके पास फर्स्ट वन है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, फॉर एग्जाम्पल वायरल हेपेटाइटिस विच इज मोस्ट कॉमन, ठीक है. मैंने बताया कि ये जो वायरस है ना, ओके सो अच्छा एक्यूट जो आपके पास कॉजेज है उसमें इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है. वायरल हेपेटाइटिस मैंने बताया बहुत कॉमन है, ठीक है. ड्रग इंड्यूस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेरेस्टामोल है, ई नहीं है इसमें, ये OL है. अच्छा एंटी टीबी थेरेपी आइसोनियाज़िडिन, वहाँ पे से मैंने पहले बताया था डिक्लोफेनिक वगैरह भी कॉज कर सकते हैं, मॉक्सिक्लेव, ठीक है, कोई मॉक्सिक्लेव ऑगमेंटिन ये जो है ये कॉज कर. ऑटोइम्यून डिजीज मैंने पहले बताया था एज ए रिजल्ट ऑफ ऑटोइम्यून प्रोसेस अगेंस्ट लिवर एंटीजन, ठीक है. मैंने बताया था कि ये जो है वो आपके बॉडी जो है लिवर के जो सेल्स है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. अल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस ये भी बताया था. विल्सन डिजीज किसे कहते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर, CU मतलब कॉपर इन लिवर एंड अदर टिश्यू. विल्सन डिजीज वो डिजीज है जो बहुत ज्यादा कॉपर आपके बॉडी में जो है वो जमा होना शुरू हो जाए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, उसको जो है वो विल्सन डिजीज कहते हैं. तो ये कॉपर जो है ये लिवर को भी डैमेज कर सकता है. इसके अलावा जो 6th है वो है हीमोक्रोमेटोसिस. हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, इसमें आयरन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है. मतलब एक तो एनीमिया है ना जब आयरन कम होता है, एक होता है हीमोक्रोमेटोसिस जिसमें आयरन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, और वो आयरन फिर आपके लिवर और आपके CNS और हर जगह जाकर एक्युमुलेट होता है, तो वो भी जो है वो लिवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है. तो ये तो ओवरऑल एटियोलॉजी थी. और अब लिवर वायरल हेपेटाइटिस देख लेते हैं. वायरल हेपेटाइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर सेल्स ड्यू टू वायरस, इज कॉल्ड वायरल हेपेटाइटिस. जब वायरस की वजह से होगा, पार्टिकुलरली वायरल हेपेटाइटिस होगा. हेपेटाइटिस ए वायरस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, स्प्रेड बाय ऑरल फीकल. भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. जो जो चीज़ इसमें नहीं है वो मैं बता देती हूँ जो आपके जो हमने स्लाइड में नहीं पढ़ी, ठीक है. हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड बाय पेरेंट्रल रूट, ठीक है. ये ज्यादातर बी जो है ये पेरेंट्रल और ए जो है ये ऑरल फीकल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है. सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी हो सकता है एंड बाय इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ठीक है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 6 months. हेपेटाइटिस सी जो है ये RNA वायरस है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. ये ब्लड IV ड्रग्स अभी हमने पढ़ा. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है, मदर टू चाइल्ड. इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 6 to 7 है. हेपेटाइटिस बी वायरस भी है जो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है. हेपेटाइटिस ई वायरस भी है जो RNA वायरस है, और मैंने बताया था ये भी प्रेग्नेंट वुमेन में कभी कभार बहुत इशू कॉज कर देता है, ठीक है. तो ये जो है ये थोड़ा बहुत इसके बारे में था. क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं. पेन एंड एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, यूरिन और स्टूल में भी येलोइश या डार्क कलर के हो जाते हैं, ठीक है. जॉन्डस विच में भी यूजुअली एग्जामिन इन स्क्लेरोटिक ऑफ आई, मतलब कि आपके स्क्लीरा जो है आई के वहां पर भी यूरिन बन जाकर जमा हो जाता है. और आप सबको पता है कि जॉन्डस में क्या होता है, आपके आईज का कलर जो है वो भी येलोइश हो जाता है, ठीक है. अच्छा आफ्टर फ्यू डेज एपेटाइट इम्प्रूव, आई एंड यूरिन येलोनेस डिक्रीज, कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद जो है ये ठीक हो सकता है, ठीक है. अच्छा इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे इसकी, लिवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सीरम बिलीरुबिन हम चेक करेंगे, नॉर्मल अप टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. लिवर एंजाइम नॉर्मल इसका ये बताएगा, और अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर हमें पता चलेगा कि ये लिवर में इशू है. लिवर एंजाइम SGPT, SGOT याद है ना, ALT, अल्कलाइन ट्रांसफरेज, SGPT, सीरम ग्लूटामेट, पायरोवेट, ट्रांस एमाइनेज, ये हम बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे वो एंजाइम है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आप इसको एक बार दोबारा सुन ले जिनको याद नहीं है. असल में ये एंजाइम जितने भी है, SGPT, SGOT, ALT, AST, ALP, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे आपके, असल में SGPT और ALT ये एक ही चीज़ है. अच्छा ये दो नाम एक ही एंजाइम के हैं. अच्छा इसी तरह AST और SGOT जो है वो एक चीज़ है. तो ये जो है ये असल में लिवर में मौजूद होते हैं, ठीक है. मैं चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है. अच्छा असल में ये लिवर में मौजूद होते हैं, जब लिवर डैमेज होता है तो ये निकल कर ब्लड में आ जाते हैं,
तो जब ब्लड में इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि ये लिवर में डिजीज है, ठीक है। अच्छा, एंटी एचसीवी फॉर हेपेटाइटिस सी, ठीक है, हम ये एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस जो है फॉर हेपेटाइटिस सी हम वो चेक कर सकते हैं। असल में ये एंटीजन की बात करें, एंटीजन की बात करें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मैंने ऑलरेडी बताया, ये हम चेक कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, हाँ ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है मैंने बताया था, कोई ऐसा खास ड्रग नहीं है, रेस्ट आप करेंगे, फ्रूट्स लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, बट लेस अमाउंट ऑफ फैट्स, ये भी मैंने पहले बताया कि लो कैलोरिक फैट जो है आप लेंगे इसमें, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा और देखते हैं इसको। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हैं, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। न्यूरोबायान वगैरह, विटामिन ई, विटामिन सी, ये भी आपकी इम्यूनिटी वगैरह को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लिवर टॉनिक सिरप कोई आप दे सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने हेपामार्स और ये इसके ब्रांड नेम है, ये आप दे सकते हैं, लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है। मिनिमम यूज ऑफ ड्रग्स स्पेशली पेरेस्टामोल, क्योंकि वो आपके कर सकते हैं, आपके लिवर डैमेज कर सकता है। एंटीवायरल थेरेपी आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ये बिल्कुल खत्म नहीं करते इसको, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप एसाइक्लोविर वगैरह आप ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल इंजेक्शन, इंटरफेरोन, ये थोड़ा आजकल पाकिस्तान में है इंटरफेरोन, ये जो है ये इसको, और टैबलेट रेबावरीन, रेबावरीन जो है ये एंटीवायरल ड्रग है, इसको जो है आप कहते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान में यूज हो भी रही है। कैन बी यूज्ड इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी और फॉर मोर देन 6 मंथ, जब क्रॉनिक हो तो आप इन इंटरफेरोन और रिकवरी, ये एंटीवायरल थेरेपी में हम पढ़ चुके हैं, एंटीवायरल ड्रग्स जब हम पढ़ रहे थे मैंने इन दोनों का बताया था, रिकवरी और ये जो इसके अलावा आपके पास एंटीवायरल ड्रग्स है एसाइक्लोविर, एमंटिडीन, रिमंटिडीन, ये सारे न्यूक्लियेज, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये सारे ड्रग्स अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, बल्कि पिछले किसी उसमें ड्रग्स में हमने पढ़ा भी था किसी डिजीज में, ठीक है। सो खैर उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये ड्रग्स एंटरफेरोन और रिबावरीन ये ड्रग्स आपने याद करें। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, इसको जल्दी से एक गो थ्रू करते हैं। प्रिवेंट मतलब अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और उसका ख्याल रखना है, ठीक है। सो प्रॉपर वॉश ऑफ हैंड एंड सोप, ठीक है। यूटेंसिल्स आपके होने चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए कैन बी डन टू क्लोज कॉन्टेक्ट, जिन लोगों के घर में है ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए वायरस तो बाकी लोगों को वैक्सीनेशन करनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ बी एंड सी, ठीक है, अपने प्रॉपर वही जो मैंने बताया स्टेराइल इंजेक्शन और वो इस्तेमाल करने, ठीक है, नीडल्स वगैरह का ख्याल रखना है, सिरिंजेस का ख्याल रखना है, स्पेलिंग गलत है, RING इंजेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर अननेसेसरी बहुत जरूरत नहीं है तो आईवी फ्लूइड वगैरह ऐसा ना हो करे, कोशिश करेंगे अवॉइड करें। ब्लड शुड बी प्रॉपरली स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को देखना चाहिए कि कहीं वो हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन का तो नहीं है। यूज उसकी सेक्स प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो करना चाहिए अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी, इफ हस्बैंड और वाइफ हैज हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो फिर वैक्सीनेशन करनी चाहिए। वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी टू जनरल पॉपुलेशन स्पेशली टू चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चों को हेपेटाइटिस बी के पहले से वैक्सीनेशन करनी चाहिए। डू नॉट यूज ब्रश, मिसवाक और नेल कटर फॉर ईच अदर, एक दूसरे की ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारी है ही हेल्थ एजुकेशन, ये जितनी हमने पढ़ी ना ये सारी हेल्थ एजुकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक था इसलिए मैंने इसको दो वीडियो में डिवाइड किया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।